मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल आरएस ब्लॉग्स में और एक बार। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरा मॉर्निंग तो 5 बजे ही हो गया। हस्बैंड जी गए ड्यूटी और आज है संडे का दिन, तो आज है संडे का ब्लॉग। तो संडे के दिन भी मेरे बेटे की छुट्टी नहीं होती है क्योंकि उसको बीच बीच में ट्यूशन में एग्जाम होता रहता है, तो आज एग्जाम का डे है। और ये मेरे बेटे के लिए दूध बना रही हूँ। ये दूध पी के आज जाएगा, वैसे तो रोटी एक खा के जाता है, पर बोला कैसे थोड़ा सा दूध पी के जाता हूँ क्योंकि इसको ट्यूशन का जो एग्जाम होता है लंबा टाइम तक चलता है, 5 बजे तक शाम को। तो शाम को 5:30 बजे तक ही वापस आएगा, तो मैं लंच भी पैक कर दूंगी इसको। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, फिर लंच भी पैक करती हूँ। थोड़ा सा ही दिया मैंने दूध क्योंकि सुबह सुबह ज्यादा वो पी कर नहीं जा पाता है। घर में रहता तो थोड़ा बहुत फिर भी पीता है, पर स्कूल कोचिंग ये सब में थोड़ा ही कम ही पीता है दूध। और इसके साथ देखती हूँ बिस्कुट लेगा, ये खाली ऐसा ही पिएगा। तो ये मेरा बेटा कर रहा है पढ़ाई, उसका है ट्यूशन में एग्जाम, और ये उसका दूध और बिस्किट में ला दिया। खिला दूँ या खा लेगा? मैं खिला देती हूँ दोपहर नहीं, तो जल्दी जल्दी खा लो फिर, ठीक है? और नहा के जाएगा ना, गर्म पानी बिठा दूं। तो बन रही है मेरी बेटे की टिफिन। टिफिन मतलब के लंच की तैयारी। लंच में क्या ले जाएगा? रोटी और आलू ही ले जाएगा, आलू भुजिया ले जाएगा, और कुछ नहीं लेके जाता है क्योंकि उसको आलू बहुत पसंद है, तो वही ज्यादा तर में बना देती हूँ। बाकी हरा सब्जी तो जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, बिल्कुल नहीं खाता है, वही बना रही हूँ। आलू मैंने काट के रख लिया, प्याज और हरी मिर्ची इस बना लेती हूँ फटाफट लंच की तैयारी। तो वही मैं मॉर्निंग में जल्दी जल्दी करके रोटी और आलू की सब्जी बना रही हूँ बेटे के टिफिन के लिए। और ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, स्कूल टाइमिंग में तो और जल्दी हो जाता है 5 बजे से, ये तो फिर भी ट्यूशन का कोचिंग का एग्जाम है, थोड़ा लेट से ही जाता है 8:30 बजे। तो 7 बजे से उठ के भी मैं आराम से बना लेती हूँ टिफिन वगैरह, लंच वगैरह बनाकर पैक करके फिर दे दूंगी, और लंच में वो फिर खा लेगा क्योंकि आएगा पूरा शाम को एकदम आएगा तो भूख तो लगेगा ही। और हम माँ बेटा दोनों को ये आलू बहुत पसंद है, चाहे आलू का कोई भी सब्जी हो भुजिया हो, आलू होने से ही चल जाता है। और ये बना लिया मैंने अपना ग्रीन टी, पर आराम से पीने का टाइम बिल्कुल नहीं है। सोचती हूँ कि चाय सारा काम निपटा के आराम से फिर चाय वाय पीने में असल मज़ा आता है, पर क्या करे काम भी रहता है। तो वही देखिए खाना बनाते बनाते टिफ़िन पैक करते करते थोड़ा थोड़ा करके जिप लेके पी भी रही हूँ ग्रीन टी में। और ये सब चाय वगैरह जो चीज़ है ये तो आराम से ही पीने का चीज़ है, पर टाइम जब कम हो तो फिर क्या कर सकते, दोनों ही साथ में ही करना होगा, ये भी वो भी जल्दी 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 करके। तो टिफ़िन रोटी सब्जी मैंने सब सारा पैक कर दिया है, बस अब बेटे ट्यूशन जाएगा, बस वो रेडी हो गया। देखिए यूनिफॉर्म भी पहन लिया है कोचिंग का, और जाते वक्त पप्पी झप्पी दे के जा रहा है, वो हमेशा ऐसे करता है, मैं ही देती हूँ वो भी देता है। और साथ में हेलमेट भी लेके जा रहा है क्योंकि थोड़ा हाई रोड से जाता है ना स्कूटी से, तो हेलमेट ले जाना बहुत ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए भी, पुलिस के बस से बचने के लिए भी, हर चीज़ मतलब हेलमेट हमेशा ज़रूरी होता है रोड में चलो तो हेलमेट ज़रूर लीजिएगा आप लोग भी जहाँ बाहर जाइएगा, हेलमेट बहुत ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। और कपड़ा देखिए धो के रखा था, ये भी टांगने को टाइम नहीं, धो तो लेती हूँ टांगने के लिए बड़ा आलस लगता है, कभी कभी टाइम भी नहीं है तो ये काम वो काम में लग जाती हूँ फिर भूल जाती हूँ। तो बाल्टी में रखा हुआ था तो मैं बोला कि अभी थोड़ा फ्री हूँ तो बाकी का सारा काम फिर टुक टुक करके कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये भी फिर रह जाता है। तो फिर कपड़ा मैं जल्दी जल्दी करके टांग लिया, और बस अभी बिस्तर को भी ठीक करना है मुझे, मच्छरदानी डेली टांगना पड़ता है, यहाँ इतना ज़्यादा मच्छर तो है नहीं, पर अगर एक दो अगर आ जाए ना तो इतना ज़्यादा काटता है कि पूरा एकदम। और मुझे ये मच्छर से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, पता नहीं मेरे ये पतिदेव जी को और मेरे बेटे को ये लोगों को क्यों नहीं काटता, ये बोलते हमें तो नहीं काटता है तुमको कैसे काट लेता है। तो मैं बोलती हूँ पता नहीं मेरा ब्लड शायद ज़्यादा मीठा है, उसको पसंद है मच्छर लोगों को, इसलिए मुझे ही काट काट के खाता है, इतना काटता है कि मेरा पूरा फूल जाता है, जहाँ काटता है एकदम पूरा सूज जाता है वो जगह। तो बस बेड को ठीक ठाक कर लिया, अब आ गई हूँ। देखिए झंझट वाला रूम ये है, इसको ज़्यादा मुझे ठीक करना पड़ता है बेटे के लिए क्योंकि हमेशा ये फैला के ही रखता है। तो ये गया है अभी कोचिंग, तो अभी मेरी मौका है उसके रूम को साफ़ करने का, तो वही सारा ठीक ठाक कर दिया।
और बेड को झाड़ झूड़ दिया। ज़्यादा भी नहीं ठीक कर सकती ना, फिर आके अगर थोड़ा सा भी कॉपी बुक कुछ नहीं मिलेगा ना तो फिर लग जाएगा, कहाँ रख दिए हो, तुमको समेटने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही फैला के ही रख देते, ये सब लग जाएगा, फिर चिल्लाने लगेगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं किया, बस जो जहाँ था उसको सिर्फ उठा के वहीं पर रख दिया, और ज़्यादा कॉपी बुक को इधर उधर नहीं किया, उसको पढ़ाई का टेबल को भी थोड़ा साफ़ सफाई कर दिया, और बस कुछ कपड़े धुला हुआ रखा था उसको समेट रही हूँ, इनका वर्दी वगैरह था, हमारा कपड़ा था, बहुत सारा, मतलब कपड़ा धोती हूँ और चेयर में जमा हो जाता है, कपड़ा धोती हूँ और चेयर में जमा हो जाता है, समेट के रखती हूँ फिर दूसरा दिन चेयर में जमा हो जाता है, तो वही सारा एक एक करके सारा मैंने एकदम ठीक किया, इसको अपनी अपनी जगह में भी सेट कर रही हूँ। और ये ऊपर वाला पोर्शन का हम माँ बेटा का है, रेगुलर पहनने वाला कपड़े का, और नीचे वाला पोर्शन इनके पापा का है। तो बस जल्दी जल्दी करके पोछा भी कर ले रही हूँ, झाड़ू मैंने सुबह को ही लगा लिया था, पोछा सिर्फ बाकी था तो सोचा ये भी कर लेती हूँ, लगे हाथों हो जाएगा सब काम, और जल्दी काम खत्म हो जाता है ना, खुद को भी कितना रिलैक्स लगता है ना। मेरा छोटा सा बच्चा ट्यूशन पढ़ के आ गया, दोपहर को मैं ब्लॉग भी नहीं बनाई, अकेले अकेले क्या बनाती, सब रहे थे तब ना बनाती, तो मेरा बच्चा थक गया सुबह से जाके, शाम में आके थक गया, और आज ब्लॉग में भी दिखाने को ज्यादा कुछ नहीं था, तो बस ब्लॉग एंड कर दी, छोटा सा वीडियो, लाइक कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, बाय 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 करेगा।